सो हेलो भाई लोग, कैसे हो यार आप सभी। होप सब बढ़िया होगे, मजे में होगे, आगे भी मजे में रहोगे और वीडियो बने रहोगे पूरे एंड तक, क्योंकि गाइस यार आज मैं बताने वाला हूं कि ग्लोरी जो अपनी ग्लोरी होते हैं, मतलब कि एक लेवल वन का, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हो, ये देखो आज ही बनाया है गिल्ड को, ठीक है। तो लेवल वन का अभी गिल्ड है, तो इसको एक दिन में लेवल फोर का गिल्ड कैसे बनाओगे, ठीक है गाइस। तो वीडियो एंड तक देखना और मैं इस पर बताता हूँ अभी फटाफट से कि लेवल वन को लेवल फोर तक कैसे पहुँचाओगे एक दिन के अंदर। तो गाइस उसके लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें लगा लेना है गाइस क्लैश कोड मैच, ठीक है गाइस। ध्यान रहे क्लैश कोड लगाना है, रैंक वाला नहीं लगाना है, सिंपल वाला लगाना है। बरमूडा में लगा लो या कलहारी में लगा लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट सिंपल वाला लगाना, इतना बात ध्यान रखना। तो फटाफट से इस मैच को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही ये मैच स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो, चलो गाइस तो ये अभी स्टार्ट हो गया है और हम फटाफट से जैसे ही ये राउंड स्टार्ट होता है इसके बाद से बताता हूँ कि कैसे करना है ताकि आपकी ग्लोरी बढ़ जाए। तो आप दिन में कम से कम ये 8-10 बार, पर ध्यान रहे यार आपको रैंक में नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ लोग अगर रैंक में कर देते हैं फिर वो गड़बड़ हो जाता है, आपका रैंक डिसबैंड भी हो जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी। तो आपको फटाफट से यहाँ पे जाना है, मतलब कि हमें जाना है जोन में। यहाँ पे जैसे ही हम डाउन हुए, तो गाइस ये देखो डाउन हो गए, हम फटाफट से यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ से हम फटाफट से एग्जिट हो जाएंगे। ध्यान रहे कि क्लैश स्क्वाड नॉर्मल वाला है। एक बार फिर से एक मैच, जैसे कि एक में तो उतना नहीं दिखता है तो दो में कर देते हैं, हालांकि दो में भी उतना नहीं दिखे, कम से कम 8-10 ऐसे करना पड़ेगा और पूरे टीम को करना पड़ेगा। तो आपको पर दिख जाएगा कि कैसे ये बढ़ रहा है, मतलब कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो रुक जाओ, अभी फटाफट सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखो गाइस सेकंड राउंड भी स्टार्ट हो ही गया। हाँ हो गया, सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया। तो अभी देखो हम अभी कहाँ पे उतरे हैं, कहाँ पे उतरे हैं, कहाँ पे, ओके ओके ओके, कहाँ पे नाम भूल गया मैं इस जगह का, ओके। तो हम उतरे हैं पोचिनॉक पे। तो अभी देख सकते हो यहाँ से हम सीधा जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे गाइस, पोचिनॉक के पीक की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मार्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये कोई ट्रिक नहीं है गाइस, मतलब कि हम सीधा जाएंगे जोन की तरफ। तो ये देखो हम जैसे ही जोन में आए और ये मार्स इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जंप मार के बढ़ते हुए और ये डाउन। तो चलो जैसे ही गाइस यहाँ पर डाउन हो गए, हम फिर से एग्जिट कर देंगे और अभी आप देखोगे कि मेरा ग्लोरी जो 172 या 170 के आसपास था, वो अभी देखते हैं कहाँ पहुँच गया होगा। 170 के आसपास ही था हमारा ग्लोरी, अभी देख सकते हो गाइस यार 178 हो चुका है। तो गाइस यही है, ये आप समझ जाओ, ध्यान से समझ जाओ। और ये अगर पूरी टीम करती है, मतलब पूरी टीम एक साथ मिलके करती है, और दिन में कम से कम ये एक दो मैच से मैंने नहीं किया है, कम से कम मैंने लगातार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कितना ज़्यादा हो गया होगा। तो ये देखो लगभग मैंने पूरे दिन खेला और शाम होते होते ये देखो गाइस, ठीक है, कल सुबह स्टार्ट किया था मैंने और शाम होते होते मेरे पूरे टीम का 2000 तक पहुँच चुका। और ये सबको ही बताया था अपने गिल्ड में और लगभग सब ने किया, एक दो बंदों को छोड़ के। एक दो बंदों को अगर नहीं पता होगा तो उसके लिए वो गाइस वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो लगभग सब ने ही ये किया और अभी आप देख सकते हो 2022, मतलब कि 10,000 चाहिए जिसमें से 2022 हमें एक दिन में हो गया। तो अभी मेंबर्स कम है, अगर टोटल के टोटल मेंबर्स मिलके करते हैं तो एक दिन के अंदर आप ऐसे पहुंच सकते हो। साथ में थोड़े से रैंक गेम भी आपको खेलना पड़ेगा, रैंक गेम भी उसमें भी आपको मिल जाते हैं काफ़ी अच्छा ग्लोरी। बट ये जो ट्रिक है ना, ये सबसे बेस्ट है गाइस। इसके बाद बात करेंगे कि डॉग टैग्स कैसे बढ़ते हैं, डॉग टैग्स जो हमें टूर्नामेंट वाले दिन यानी कि जो फ्राइडे वाले दिन मिलता है वो कैसे बढ़ता है। तो गाइस उसके लिए बहुत ही सिंपल है, जो हमारा रैंक मैच है ना, रैंक मैच सबसे ज़्यादा वो खेलो, ग्रुप में खेलो, ठीक है, मतलब कि स्क्वाड मैच खेलो। जो डॉग टैग्स है, अभी देखो हमारा अभी पहला ही टूर्नामेंट होगा इस फ्राइडे को, क्योंकि अभी अभी बनाया है, ठीक है। तो देखना हमारा पूरा 1800 कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो पहला तो आपकी ग्रुप में खेलो यानी स्क्वाड में खेलो रैंक मैच, और दूसरा गाइस सबसे सिंपल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लैश स्क्वाड मैच खेलो, ठीक है गाइस, क्योंकि क्लैश स्क्वाड पूरा का पूरा आप एंड तक खेलते हो और जितना ज़्यादा जितना देर तक गेम में टिके रहते हो उतना ही ज़्यादा मिलता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, बाय बाय, मजे लो गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।